सो हाय गाइस, मेरा नाम है एहसान अली और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल ब्रो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे यूट्यूबर कुछ कमेंट आए थे कि भाई आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो डाउन सॉरी स्क्रीन वीडियो बनाते हो, वो कौन सी एप्लीकेशन से बनाते हो जिससे ये ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी एप्लीकेशन है जिसे मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी बताऊंगा। तो आपको क्या है, अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जल्दीबाजी में जो ये 100 मिलियन स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद वीडियो बना लोगे। तो भाई मैं इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये एप्लीकेशन मुझे बहुत बेड एप्लीकेशन लगती है, क्योंकि जब भी मैं इस एप्लीकेशन से वीडियो बनाता हूँ, जब 2 या 3 मिनट का वीडियो बन जाता है तो वीडियो को ये रिमूव कर देता है, वीडियो ओपन भी नहीं होता है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ज़रा भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड नंबर पर जो 2 नंबर पर एप्लीकेशन आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो भी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो इसी एप्लीकेशन से की है। अब आपको क्या है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हो रिकॉर्डिंग इंजन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखते हो एडवांस इंजन हाई, तो मैंने जो मेरी वीडियो क्वालिटी है वो मैंने हाई कर रखी है, मतलब फुल HD कर रखी है। तो आपको यहाँ पर आपके सामने अगर शायद ऊपर आएगा तो आपको नीचे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसको करने के बाद नीचे आपको मैजिक बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ये तीनों ऑप्शन आपको ऑन कर लेने हैं। आपकी एप्लीकेशन में ये तीनों ऑप्शन हैं वो बंद रहेंगे, आपको चालू कर लेनी है, जिससे क्या है कि आप जब भी कोई स्क्रीन वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर करते हो तो जो आपका वीडियो पॉज या जो वीडियो रोकते हो बीच में, तो वो यहाँ पर आप रोक सकते हो। फिर आपको बैक आना, बैक आने के बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको देख सकते हो पॉज रिकॉर्डिंग, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए रेस्यूलेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो नीचे नीचे आना और यहाँ पर आप देख सकते हो 1080 पिक्सल 7.3 जो ऑप्शन है उसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग ऑडियो और इसमें कुछ और भी फीचर है तो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो क्रिएट ए न्यू फाइल, इसको आपको क्या है ऑफ ऑफ रहेगा आपके मोबाइल, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसमें क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि जब भी आपका वीडियो 100 MB का हो जाता है तो वीडियो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, चाहे वो वीडियो पूरा बना हो या ना बना। तो मैंने यहाँ पर जो MB यहाँ पर 2000 सेलेक्ट किए क्योंकि 2000 से बड़ा वीडियो बनता नहीं है हमारा। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि जब भी आप कोई बड़ा वीडियो बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा और आपका वीडियो बंद भी नहीं होगा। ये सेव करने के बाद आप जब भी वीडियो को अपनी मर्ज़ी से सेव करोगे तभी ये वीडियो सेव फाइल में ऐड हो जाएगा। तो मुझे शायद इतने फीचर काम के लगे जो मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको बताता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ये देखिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली होम आ जाना है। होम आने के बाद ये देखिए यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 सेकंड का ऑप्शन आएगा और 3 सेकंड बाद आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर फाइनली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप वीडियो ओपन कर सकते हो। अगर आप इसे पॉज करना चाहते हो बीच में से तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। फिर आपको इस पर वापस क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो ये, अगर आपको वीडियो वापस चालू करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आप सेव करना चाहते हो अपने वीडियो को, तो आपको जो ये रेड कलर का बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर फाइनली सेव हो चुका है हमारी फाइल में।
तो इस तरह से आप जो बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है उसे आप वीडियो यूट्यूबर बना के अपलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।